Hello student, today we are going to start your English grammar in standard 6. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Second lesson. क्यों second lesson हम पढ़ेंगे? क्योंकि हमारा first lesson जो है वो है complete हो गया है. हमारा first lesson कौन सा था? The sentences. क्या था हमारा first lesson? The sentences. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? तो sentences and phrases पढ़ा था, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था. याद ही होगा ना आपको. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेसन. सेकेंड लेसन क्या है हमारा? द वर्ड ट्री. क्या है? द वर्ड ट्री. ट्री है पर कैसा है? वर्ड का ट्री. कौन सा ट्री है? वर्ड का ट्री. तो वर्ड का ट्री जो है उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो फर्स्ट है द नाउन. हमारे ट्री में इतने एट वर्ड्स है. हमारा जो वर्ड ट्री है उसमें ये एट जो वर्ड्स हमें दिया है वो है. फर्स्ट क्या है? द नाउन. क्या है? द नाउन. सेकंड है द प्रोनाउन. थर्ड है द प्रीपोजिशन. फोर्थ है द कंजंक्शन. फिफ्थ है जो एडजेक्टिव. सिक्स्थ है द वर्ब. सेवेंथ है द एडवर्ब. एंड एट नंबर का जो है वो है द इंटरजेक्शन. तो जो ट्री होती है, तो ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं. तो वहाँ पर ये हमारा जो वर्ड का ट्री है ना, तो एट ब्रांचेस है हमारे हमारे वर्ड के ट्री में. कितनी ब्रांचेस है? एट. कौन कौन सी है? तो ये जो एट ब्रांचेस है वो है हमारे वर्ड में, हमारा जो ट्री है उनकी ब्रांचेस है. ओके, तो आपको समझ में आ गया कौन कौन सी ब्रांचेस है? नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन जो है वो है हमारे ब्रांचेस है. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उनको. ये जो एट ब्रांचेस है ना, उनको हम डीपली पढ़ने वाले हैं. ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे द नाउन. क्या स्टार्ट करेंगे? द नाउन. तो हमारा जो नाउन है वो क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. ये जो नाउन होता है वो किसका वर्ड है? नेमिंग वर्ड. ओके, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑल नेम्स आर नाउन्स. सभी जो नेम्स होते हैं वो क्या होगा? नाउन्स. कोई भी नेम होगा, एनिमल का होगा, मैन पर्सन का होगा, कोई भी नेम होगा तो वो होगा नाउन्स. ओके, जैसे दीज मे बी नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, क्वालिटीज एंड फीलिंग्स. ये इसमें से कोई भी नेम आते हैं तो वो होंगे नाउन्स. ओके, कौन कौन से हैं? तो पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, क्वालिटीज एंड फीलिंग्स, ये है हमारा नाउन. ओके, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या है. ए पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर. ए पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर. तो ये जो पोस्टमैन है वो पर्सन है, तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन. एंड डिलीवर्स लेटर, तो ये जो लेटर्स है वो क्या, वो भी नाउन होगा. वैसे सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, रवि प्लेज फुटबॉल एंड हॉकी. क्या है? रवि प्लेज फुटबॉल एंड हॉकी. तो यहाँ पर जो रवि है आपको देखता है, रवि तो क्या होगा? नेम ही है. एंड फुटबॉल एंड हॉकी वो क्या है? गेम है. तो ये गेम का भी नेम है, तो इसीलिए ये भी किसमें आएगा? नाउन. ओके, तो इसमें कितने नाउन्स है? थ्री नाउन. कौन कौन से? तो रवि, फुटबॉल एंड हॉकी, ये जो है वो है हमारा नाउन. वैसे उसमें भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि माय हाउस इज नेक्स्ट टू द मार्केट प्लेस. तो यहाँ पर जो हाउस एंड मार्केट प्लेस जो है वो क्या हो गए हमारा? नाउन. ओके, वैसे दूसरे एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं कि लव एंड काइंडनेस आर नॉबल फीलिंग्स. तो यहाँ पर फीलिंग्स आया, तो हमने देखा था यहाँ पर फीलिंग्स जो है वो होगा नाउन में आएगा. तो लव एंड काइंडनेस भी फीलिंग के ही है. तो फीलिंग, लव एंड काइंडनेस ये तीन किस में आएंगे? नाउन में. ओके, वैसे नेक्स्ट, कॉलेरा इज द टेरिबल डाइजिस. ओके, कॉलेरा इज द टेरिबल डाइजिस. तो डाइजिस जो रोग एंड कॉलेरा, तो ये दोनों किस में आएंगे? किसमें आएंगे? द नाउन. ओके, अब नेक्स्ट, देर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन. कितने काइंड्स है नाउन के? फाइव काइंड. कितने काउंट्स है? काइंड्स है फाइव. ओके, कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना, कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन. ओके, कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन. सेकेंड है कॉमन नाउन. थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फोर्थ है कलेक्टिव नाउन. एंड फिफ्थ है मटेरियल नाउन. तो ये जो फाइव टाइप है वो क्या, वो हमारे नाउन के टाइप है.
टाइप भी कह सकते हो और काइंड भी हम बोल सकते हैं। तो कितने काइंड है हमारे नाम के? फाइव काइंड। ओके, तो अब हम उनको, ये काइंड जो है हमारा, उनको भी हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट हमारा जो कौन सा नाउन है, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन को हम डीपली पढ़ेंगे। तो किसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन? कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है? तो उसकी डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जिस भी जो भी नाउन होगा वो कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या तो कोई थिंग होगा, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। ओके, कैसे पता चलेगा? कोई भी पर्टिकुलर नाउन होगा और वो भी प्लेस, पर्सन या तो थिंग होगा, तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन। ओके, देखो हम एग्जांपल की बात एग्जांपल देखेंगे तो हमें और पता चलेगा कि शिमला इज क्वाइट नियर चंडीगढ़। शिमला इज क्वाइट नियर चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो शिमला है, शिमला प्रॉपर नाउन है, सिटी का प्रॉपर नाउन है, तो ये क्या हो गया, सॉरी, एक पर्टिकुलर नाउन है शिमला। तो ये जो हमारा शिमला है वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। एंड चंडीगढ़ भी पर्टिकुलर है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। वैसे सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा कि बोथ गंगा एंड कावेरी आर स्कैर्ड रिवर्स। गंगा एंड कावेरी आर स्कैर्ड रिवर्स। तो यहाँ पर गंगा एंड कावेरी पर्टिकुलर नेम है रिवर के दोनों पर्टिकुलर नेम है, गंगा एंड कावेरी। तो ये गंगा एंड कावेरी क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाम। वैसे दूसरे भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि मिस्टर शर्मा हैज बीन ट्रांसफर टू पटना। तो मिस्टर शर्मा ने पर्सन के नेम है तो वो तो आ ही जाएगा। एंड पटना, तो पटना भी एक सिटी का पर्टिकुलर नेम दे दिया है, तो वो भी किसमें आएगा? प्रॉपर नाम। ओके, अब नेक्स्ट भी हम दूसरे भी एग्जांपल हमने लिखना है तो लिख सकते हैं कि नेपोलियन बिकम मास्टर ऑफ यूरोप इवन बिफोर ही वॉज 45। तो यहाँ पर जो नेपोलियन है, नेपोलियन एंड यूरोप हमें इस एग्जांपल में दिया है, तो ये किसमें आएगा? प्रॉपर नाम। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि प्रॉपर नेम्स इंक्लूड नेम्स ऑफ पर्सन, सिटीज, टाउन्स, कंट्रीज, रिवर्स, हिल्स, स्ट्रीट्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर्स, इटीसी। प्रॉपर नाउन में इतना आएगा। क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? कोई पर्सन के नेम होता है, सिटी का नाम, टाउन्स, कंट्री, रिवर्स, हिल्स, स्ट्रीट्स, डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, ये सब जो जिस भी सेंटेंस में आता है तो वो किसमें आएंगे? प्रॉपर नाउन। किसमें आएंगे? प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट क्या है कि ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद ए कैपिटल लेटर। जो भी हम प्रॉपर नाउन है हमारा, वो ऑलवेज हम किसमें, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम किसमें लिखेंगे? कैपिटल में। किसमें लिखेंगे? कैपिटल में। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कर मैंने लिखा है, क्या लिखा है? इंडिया एंड इंग्लिश। तो इंडिया का पहला लेटर मैंने कैपिटल किया है आई, वैसे इंग्लिश में भी इंग्लिश का ही मैंने कैपिटल किया है। क्यों कैपिटल किया है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है एंड प्रॉपर नाउन हम ऑलवेज उसका जो फर्स्ट लेटर आता है उसको हम कैपिटल ही लिखेंगे। ओके, तो अब हम हमारा जो सेकेंड, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो आपको पता चल गया प्रॉपर नाउन में क्या क्या था, क्या क्या था प्रॉपर नाउन में? तो जो भी कोई पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर टाउन्स, पर्टिकुलर कंट्रीज, पर्टिकुलर रिवर्स, पर्टिकुलर हिल्स, पर्टिकुलर स्ट्रीट्स, पर्टिकुलर डेज ऑफ द वीक, जैसे कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेनसडे, ऑन सैटरडे, जैसे कोई भी वीक की कोई भी नेम आएगा तो वो आएगा प्रॉपर नाम। वैसे पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर, मतलब कि जनवरी, इन डिसम्बर, ऐसा कुछ होता है तो जनवरी डिसम्बर क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। ओके, तो आपको पता चल गया प्रॉपर नाउन में क्या क्या आएगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग जो होगा वो आएगा हमारा पर्टिकुलर, सॉरी, प्रॉपर नाउन। तो क्या इस वीडियो में हमने क्या देखा? वर्ड ऑफ द ट्री कौन कौन, कितने ब्रांचेस थे हमारे वर्ड की? 8 ब्रांचेस। कौन कौन सी थी? तो द नाउन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन।
एंड हमें उसमें हमने फर्स्ट लिया था नाउन, तो नाउन को हमने लिपली स्टार्ट किया है। तो नाउन का नाउन में कितने टाइप है, कितने टाइप है नाउन में? फाइव टाइप। कौन कौन से हैं? तो प्रोनाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ओके, वैसे इस वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन डीपली पढ़ा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉमन नाउन पढ़ लेंगे। ओके।